अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में आखिरकार खरगोन जिले की भिकनगांव पुलिस को सफलता हासिल हुई। थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने बताया कि गोगावा थाना अंतर्गत ग्राम सिंगुर निवासी चट्टान सिंह सिकलीगर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। चट्टान सिंह से हथियारों की तस्करी को लेकर पूछताछ चल रही है। आरोपी की कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के सहित अन्य धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 6 मई को अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए हरदा का निलंबित हेड कांस्टेबल रोहित यादव पकड़ाया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ रही है। आज उसी मामले में भिकनगांव पुलिस को आरोपी चट्टान सिंह को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में भिकनगांव थाना प्रभारी से बात की। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। ओके सर, ये आज आरोपी चट्टान सिंह को आपने पेश किया, क्या मामला है? ये जो अभी कुछ समय पहले जो रोहित यादव पकड़ाया था, जिसे करीब 8 कट्टे जब्त किए गए थे, उसी मामले में ये चट्टान सिंह पिता नादान सिंह फरार चल रहा था, जिसको आज सिगनूर से गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या इसको कोर्ट में पेश करके इसे पीआर मांगी? हाँ, इसकी अभी पूछताछ की जा रही है और माननीय न्यायालय से पीआर प्राप्त करके और पूछताछ की जाएगी अन्य मामलों में। इसी मामले में कुछ और भी आरोपी हो सकते हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी आगे। और कुछ बरामद हुआ क्या इसके साथ में? कुछ इसमें अवैध हथियार बनाने में जो प्रयुक्त सामान था, वो चीज़ अपन इसे जब्त करी है, इसका मोबाइल जब्त करा है। सर, पूछताछ में कुछ मालूम पड़ा इसे कितने दिनों से काम कर रहा है, कहाँ का इसने सप्लाई बात सामने निकल कर आई है? अभी तो इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जिस इससे संबंधित और भी दूसरे मामले हैं उन बताया, जैसे एसटीएफ भोपाल में भी ये पकड़ाया था, एसटीएफ इंदौर में भी पकड़ाया था, और भिकनगांव और गोगांव में भी इसके मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध। अभी तो वही 25 पुलिस एक्ट और उसी धाराओं के तहत इस कार्रवाई चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।